देखिए ब्लैक एंड व्हाइट मेरे यानी सुधीर चौधरी के साथ रात 9 बजे सिर्फ आज तक पर। अरे बोलो, मैं आपसे कह रहा हूँ सही आके बैठ जाओ या नीचे। दिल्ली में मांस का टुकड़ा मिला और कांवड़ खंडित, इधर यूपी में योगी जी की व्यवस्था सराहनीय, तहे दिल से धन्यवाद। और दिल्ली में आपकी सरकार फेल, पुलिस प्रशासन सब फेल, ये दिल्ली की व्यवस्था है। केंद्र सरकार की व्यवस्था अच्छी, बाकी दिल्ली सरकार फेल। देखिए कल एक मामला नोटिस में आया था जिसमें एक कांवड़ लेके एक जो पर्सन जा रहे थे उन्होंने जब अपना कांवड़ रखा वापिस आए तो उन्होंने कहा कि वहां पर कोई ऑब्जेक्ट था जो मास्क की तरह लग रहा था। तो लोकल पुलिस ने इमीडिएटली वहां पहुंच के उस मामले का संज्ञान लिया और कांवड़िए जो थे वहां पर जितने भी थे उन सबसे बातचीत की। और अभी इसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता कि वह किसी जानवर ने उठा के रखा है, किसी चील ने गिराया है या किसी शरारती तत्व का हाथ है, तो उसके ऊपर अभी इंक्वायरी चल रही है। मैम क्या वहाँ पे अब सीलमपुर है, नॉर्थ ईस्ट है और क्या क्योंकि दंगे भी हुए थे वहाँ पर, तो किस तरह के इंतजाम है, सुरक्षा के इंतजाम किस तरह के, क्या कोई आउटसाइड फोर्स भी बढ़ाई गई है कुछ उसमें? जी ये पूरी दिल्ली में ही जहाँ जहाँ कांवड़ के रूट हैं और जहाँ जहाँ इनके कैंप हैं हर एक जगह पर पुलिस तैनात है और रूट के ऊपर भी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा जितनी भी समितियां हैं कांवड़ की उनके साथ भी हम बिल्कुल टच में हैं, रेगुलर टच में हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। और जहां भी मिक्स पॉपुलेटेड एरियाज हैं वहां पर अमन कमेटीज की मीटिंग हुई है, हर कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया गया है क्योंकि सभी दिल्ली वाले चाहते हैं कि इंतजाम शांति से निकले, अच्छा निकले। मैम उस रूट पे मीट की शॉप भी, क्या उनके लिए भी कोई एडवाइजरी है, क्योंकि जैसे हमने यूपी में देखा था कि दुकानें बंद कराई गई थी, आपकी तरफ से भी कोई एडवाइजरी है दुकान बंद करने को लेकर या फिर कोई और? जी हर एक डिस्ट्रिक्ट डीसीपी ने इस रूट को चेक किया है जहां पर ज्यादा आवागमन है कांवड़ियों का, और वहां पर अगर कुछ ऐसी शॉप्स हैं तो उनके साथ मीटिंग करके उनको एडवाइस किया गया है कि वो वेस्ट मटेरियल है उसको बिल्कुल ऐसे ना फेंके कि कोई जानवर उसको उठा के उस पाथ पर ले जाए जहां से कांवड़िए गुजरते हैं, और उस एरिया में थोड़ा चील वगैरह है ये भी उठा लेती हैं, तो उसका प्रॉपर डिस्पोजल जो वेस्ट का है वो करें और थोड़ा सा केयरफुल रहें। मैम सोशल मीडिया में इस तरह से वायरल किया जा रहा है कि जैसे जानबूझ के फेंका गया, तो उनके ऊपर भी क्या कोई कार्रवाई होगी, मॉनिटर किया जा रहा है किस तरह से? जी सोशल मीडिया को हम 2400 घंटे मॉनिटर कर रहे हैं, हमारी टीम्स लगी हुई हैं, हम जो भी वहां पर प्रोपगेट हो रहा है, कुछ भी वायरल हो रहा है हम उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं, और कोई भी अगर गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है तो उसको उसी समय खंडित करते हैं। और आपके चैनल के थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू मैं ये कहना चाहूंगी कि दिल्ली में हमने शांति बना के रखनी है, किसी के नोटिस में भी कोई भी ऐसी बात आती है तो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ला लें। 112 जो हमारा इमरजेंसी रिस्पांस नंबर है उसके ऊपर जरूर डायल करें, हमारी फोर्स जगह जगह तैनात है, हमारे पुलिसकर्मी जगह जगह तैनात हैं, वो बिल्कुल इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे और बिल्कुल कुछ भी गलत ना हो इसका हम आश्वासन देते हैं।